दरभंगा में असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने का किया गया प्रयास। ब्रह्मस्थान में फेंके पशु के अपवित्र अवशेष। इस करतूत के बाद लोगों में भयंकर आक्रोश। वहीं प्रशासन और जन प्रतिनिधियों की तत्परता से टला बड़ा तनाव। जी हां, जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के माधोपुर बस्तवाड़ा और जलवाड़ा पंचायत की सीमा पर अवस्थित बलिया ब्रह्मस्थान परिसर में आपत्तिजनक पशु के अवशेष मिलने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मंदिर परिसर में इलाके के लोग जमा होने लगे, जिससे इलाके में तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। वहीं आनंद फानन में स्थानीय पुलिस ने इस घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर SDPO अमित कुमार एवं सदर SDO चंद्रमा अन्नी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से असामाजिक तत्व को खोजकर सजा देने की बात कह मामले को शांत किया। वहीं बैठक में तय हुआ कि कल सुबह ही फिर से सभी स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर इस तरह का घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं तनाव को देखते हुए SDO ने मौके पर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया है। वहीं सदर SDPO अमित कुमार ने कहा है कि स्थिति सामान्य है, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचे। साथ ही यह भी कहा है कि संयम रखकर प्रशासन को जाँच में सहयोग करे, दोषियों को जल्द ही पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं SDO चंद्रमा अन्नी ने कहा है कि सिमरी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव मंदिर में घटना घटित हुई है। सभी लोगों से कहा गया है कि इसे गलत रूप न दिया जाए, जो भी उचित कार्रवाई होगी जरूर की जाएगी। मामला कुछ नहीं है, ब्रह्मस्थान है यहाँ जलवारा पंचायत में, उसके सामने लगभग 40 फीट दूर सामुदायिक भवन है, जहाँ कुछ प्लेट्स हैं, कुछ ग्लासेस हैं, लगता है कुछ लोग खा पी कर गए होंगे, तो कुछ हड्डियाँ गिरी हुई हैं, लोगों ने देखा है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ब्रह्मस्थान में हुआ, जबकि ब्रह्मस्थान नहीं जस्ट सामुदायिक भवन में हुआ है, वहाँ लोग खाने पीने की जगह लोग खा बैठ के गए हैं। क्या सर प्रशासन की ओर से क्या पहल किया जा रहा है? प्रशासन की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि लोगों में है कहा गया है किसी तरह के इसको और कोई रूप न दें, अफवाह न फैलाएं। मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि हुई है, प्रोसेस यहाँ है। सिमरी थाना अंतर्गत माधोपुर में ब्रह्मस्थान पे कुछ सूचना मिली थी कि सुबह में कुछ घटना घटित हुई है, इसी के चलते मैंने और एसडीओ साहब ने कहा कि हमने निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बात की कि किसी प्रकार की अलग कलर ना दिया जाए, उसकी जांच हो रही है।